मोहन सरकार के मंत्रियों को बीते दिन विभाग बांट दिए गए हैं, जिसमें भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग दिया गया है, जिसके बाद प्रहलाद पटेल ने मोहन सरकार में मिले इस विभाग को लेकर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। SR इंटरप्राइजेस समस्त कंपनियों के CCTV कैमरों के थोक एवं फुटकर विक्रेता अपनी दुकान मकान होटल और संस्था में ब्रांडेड कंपनी के कैमरा सस्ते दामों पर लगवाए, वो भी कमर्शियल साइट के अनुभव के साथ, तो अभी संपर्क करें। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी। मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारों में मुझे ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मेरा आध्यात्मिक जीवन जिनने भी निकट से देखा है, इन क्षेत्रों में मुझे जिंदगी भर मैंने काम किया है। मुझे लगता है कि राज्य के एक एक वो यूनिट जो ग्राम पंचायत से शुरू होता है और हमारे सर्वांगीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो ग्रामीण विकास ही है। मुझे काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा, श्रम मंत्रालय में मैंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में 4 साल काम किया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो हम लोगों ने एक चार्टर बनाया था, जिसमें एक उदाहरण के लिए एक नाम आपको कहूंगा कि उसके पहले 2014 के पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका PF कभी उसको वापस नहीं मिलता था, वो सरकारों के पास जमा होता था सेस के रूप में। लेकिन मोदी जी ने यूनिक आइडेंटिटी नंबर देकर इस रास्ते को साफ किया और आज कोई भी मजदूर देश के किसी भी राज्य में जाकर मजदूरी करे, अगर PF उसका कटेगा तो उसी के खाते में आएगा। इस अचीवमेंट को लोगों को नहीं पता शायद, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि गरीब आदमी का मेहनत का पैसा उसको मिलता है, उसमें उसका शेयर होता है, उद्योगपति का होता है और सरकार का होता है। उद्योगपति से मतलब जो वर्किंग एजेंसी है, वो ठेकेदार भी हो सकता है। तो ऐसे जो क्रांतिकारी फैसले हैं, उन फैसलों की चिंता करना। और दूसरी बात आती है कि जो सोशल ऑडिट करने की परंपरा हमारे समाज में है, वो अच्छा है हमारे चौथा स्तंभ पत्रकार करे या अन्य कोई थर्ड पार्टी करे, पर ये होना चाहिए ताकि गरीब आदमी के बच्चों के बारे में जरूर उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की चिंता वो भी होनी ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि सेस का बहुत पैसा राज्यों के पास और केंद्र सरकार के पास रहता है, ये पैसे की कोई कमी यहाँ इन विभागों में नहीं है। और ग्रामीण विकास, क्योंकि मैं इस कमेटी में भारत सरकार की 5 साल रहा हूँ, वैसा वहाँ समीक्षा करने का अधिकार होता है, समीक्षा करते हैं, कमियां हम देखते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य देता है, तो पहली बार मुझे ये फर्क है। अभी तक तो मैं निगरानी वाले पक्ष में था, अब एग्जीक्यूशन वाले पक्ष में हूँ। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ AC लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।